तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर दोस्तों किस प्रकार का आया है, कितने क्वेश्चन दोस्तों यहां से पूछे गए हैं और किस प्रकार से दोस्तों आपको इसकी तैयारी को कर लेना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे उस समय तक आप दोस्तों कक्षा 12वीं की परीक्षा को देकर आ चुके होंगे हिंदी विषय की। तो देखिएगा दोस्तों, हिंदी में मेरे द्वारा जैसा बताया गया था पूरा का पूरा दोस्तों उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों यहां से पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी दोस्तों आपको किस प्रकार से कर लेनी है। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल लास्ट समय तक देखना होगा, तभी जाके दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर दोस्तों किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहां से पूछे जाएंगे और किस आधार पर आपको इसकी तैयारी को कर लेना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर को देखना होगा बिल्कुल लास्ट समय तक, तभी जाके दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके उत्तर आपको समझ में आ पाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में से यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी को आपको किस प्रकार से कर लेना है। देखिएगा, पूरी तरह से यहाँ से इसको देख सकते हो, क्लास 12th क्वार्टरली एग्जाम 2022-23 इंग्लिश सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर है ये, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। टाइम जो दिया जाएगा दोस्तों आपको 3 घंटे का मिलेगा और एमएम यानी कि मैक्सिमम मार्क्स होगा दोस्तों आपका 80 अंक का। देखिएगा दोस्तों, आप लोग यहां से इसको देख सकते हो, यहां पर ये इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी को आपको किस प्रकार से कर लेना है। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार का पेपर आपका आएगा, आप लोग यहां से इसको देख सकते हो, ये आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है। सेक्शन ए में दोस्तों आपसे 10 अंकों का एक पेसेज पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग दोस्तों यहां से इस पेसेज को देख लेंगे, समझ लेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देर के अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस पेसेज का पूरा सोल्यूशन। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे द्वारा इस पेसेज का पूरा सोल्यूशन आप सभी को बताया जाएगा, तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों यहां से इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन कंप्लीट जरूर कर ले, ताकि दोस्तों आप सभी की तैयारी अच्छे से हो सके। तो देखिएगा दोस्तों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ये आ जाएगा, आप लोग यहाँ से लगा लें, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। और उसी के अलावा दोस्तों दूसरे नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। आप स्वयं इसको पढ़ सकते हो दोस्तों, मैं पढ़ने में थोड़ा समय लगता है तो इसलिए आपको मैं डायरेक्ट राइट आंसर्स बता रहा हूँ, आप स्वयं इसको पढ़ लें और समझ लें। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया दोस्तों, तो देखिएगा तीसरे का राइट आंसर दोस्तों आपका सी नंबर का हो जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको लगा लेंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा दोस्तों, अब तीसरे के बाद में चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा दोस्तों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ये वाला हो जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और इसके ऊपर चिन्ह लगा लेंगे, ये दोस्तों आपके चौथे नंबर का राइट आंसर है। चौथे के बाद में दोस्तों पाँचवें नंबर का राइट आंसर देखते हैं, फाइंड एंटोनिम्स फॉर द वर्ड डिसेबल। तो देखिएगा दोस्तों, डिसेबल का उल्टा पूछा गया है, तो डिसेबल का उल्टा दोस्तों आपका इनेबल हो जाएगा, आप लोग यहां से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड अल्टरनेटिव इज। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा है इसका राइट आंसर दोस्तों आपका यह आ जाएगा, अल्टरनेट। चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन है, इन फ्यूचर माई इनेबल ह्यूमन बीइंग टू एंजॉय मोर लेजर देन द टूडे। तो देखिएगा दोस्तों, ये 7वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना आपका, इसका राइट आंसर भी दोस्तों आपका ए नंबर का आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख लेना ऑटोमेशन। और उसी के अलावा दोस्तों आपका जो 8वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो दोस्तों,
आठवें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका बी नंबर का आ जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और इसको लगा भी लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों आठवें के बाद में नवें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग दोस्तों यहाँ से इसको देख लेंगे। फ्रॉम द पेसेज फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फ्रीट। तो देखिएगा दोस्तों नवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दोस्तों ए नंबर का हो जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको लगा लें, ये वाला दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों दसवें नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख सकते हो दसवें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिएगा दसवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका ए नंबर का हो जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको लगा लें, कॉम्प्लेक्स ये इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपको, आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसको पढ़ सकते हो। क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सुइटेबल टाइटल। यहाँ से दोस्तों आपको इस पैसेज को पढ़ लेना है और दोस्तों इस पैसेज को पढ़ के इसके नोट्स बनाने हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। नोट मेकिंग समरी आपसे पूछी गई है। वैसे तो दोस्तों आपको बेसिकली नोट मेकिंग समरी बनानी आती होगी, और अगर दोस्तों नहीं आती है तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक आई बटन में एक वीडियो की लिंक नज़र आ रही होगी। दोस्तों क्या नज़र आ रहा होगा आपको, आई बटन में एक दोस्तों वीडियो की लिंक नज़र आ रही होगी। आप उसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप लोग नोट मेकिंग समरी को बनाना जरूर सीख ले। दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से मेरे द्वारा उस वीडियो में दिखाया गया है। तो दोस्तों आप नोट मेकिंग समरी के नंबर पक्के करने के लिए दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों इसी के अलावा आगे आप लोग यहाँ से इसको देख सकेंगे। तो सेक्शन बी दिया गया है, सेक्शन बी में क्या लिखा है, आसिमा इज गोइंग एब्रॉड वन ए फॉरेन असाइनमेंट 5 ईयर्स। देखिएगा आसिमा एब्रॉड गई है 5 साल के लिए, तो और उसको क्या करना है। तो देखिएगा दोस्तों LCD TV डबल बेड है उसके घर में, ये सभी वो क्या करना चाहती है दोस्तों, बेचना चाहती है। तो इसके लिए एक नोटिस बोर्ड पे चिपकाने के लिए आपको क्या तैयार करना है, देखिएगा क्या पूछा, एडवर्टाइजमेंट। तो देखिएगा एडवर्टाइजमेंट वैसे तो आपको अंग्रेजी विषय के शिक्षक द्वारा आपको सिखा दिए गए होंगे, और अगर दोस्तों नहीं सिखाए हैं तो दोस्तों बहुत ही जल्दी मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सेक्शन बी के ऊपर एक अलग से वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैं आप सभी को पूरा का पूरा सेक्शन बी कम्प्लीट करवा दूँगा। अगर दोस्तों आपने उस वीडियो को देख लिया तो आप ये समझिएगा कि आपके पास में चाहे कोई सा भी सेट पेपर आता हो, सभी का सभी सोल्यूशन दोस्तों मैं वहाँ से आपको दे दूँगा। चलिएगा दोस्तों उसी के अलावा दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो, ड्राफ्ट एन एट्रैक्टिव पोस्टर फॉर सेव ट्री। तो देखिएगा यहाँ से आपसे सेव ट्री का एक पोस्टर पूछा जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों आगे यहाँ पर देख सकते हो, देखिएगा यहाँ पे लाउंड स्पीकर का आवेदन पत्र पूछा गया है, एप्लीकेशन। तो इसके लिए भी दोस्तों आपको यहाँ पर एक आई बटन नज़र आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों वहाँ से आप लोग लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन को सीख सकते हो। देखिएगा दोस्तों वहाँ पर मेरे द्वारा बहुत ही सरल तरीके से लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन को समझाया गया है, तो आप लोग वहाँ से उसको देख लें। पूरी की पूरी दोस्तों आपको परीक्षाओं में यही एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। चलिएगा दोस्तों अब इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, आप लोग देख सकते हो, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड। इन इन शब्दों में दोस्तों आपसे 200 शब्दों में पूछा गया है, तो आप सब लोग यहाँ से इसको सभी तैयार कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो क्या लिखा गया है, यू आर अमिता दुबे राइट ए रिपोर्ट इन द अबाउट 200 वर्ड। यहाँ से आपको 200 शब्दों में एक वो रिपोर्ट तैयार कर लेनी है। और उसी के अलावा दोस्तों यहाँ से आपका सेक्शन सी दिया गया है, तो सेक्शन सी को भी आप लोग दोस्तों यहाँ से देख लेंगे, समझ लेंगे। तो देखिएगा यहाँ से सर्वप्रथम मैं आपको सेक्शन सी के उत्तर दिखा देता हूँ। तो देखिएगा आप सब लोग यहाँ से इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। देखिएगा यहाँ से आपको इनको चुनना है। तो पहले में दोस्तों आपका एन आ जाएगा, और उसी के अलावा दोस्तों दूसरे नंबर का जो दिया गया है इसमें आपको बट आ जाएगा। तीसरे नंबर का लिखा दोस्तों इसमें आपका बेटवीन आ जाएगा, जहाँ पर दो के बीच की बात होती है दोस्तों उस जगह पर बेटवीन आता है। चौथे नंबर में दोस्तों आपको एन ही लिख लेना है, यहाँ से आपको क्या लिख लेना है दोस्तों, एन ही लिख लेना है। और पाँचवें नंबर में दोस्तों आपको लव लिख लेना है, क्या लिख लोगे आप दोस्तों, लव। और उसी के अलावा दोस्तों छठे नंबर में आपको कैन लिख लेना है, यहाँ से आपको क्या लिख लेना, कैन। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ तक मेरे द्वारा पूरे के पूरे क्वेश्चन और उनके आंसर दिखा दिए गए हैं।
चलेगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, ये डू एज डायरेक्टेड आपसे कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप पूरी तरह से यहाँ से इनको देख लें, ए टू जेड डू एज डायरेक्टेड दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि डू एज डायरेक्टेड के ऊपर मेरे द्वारा एक पहले ही वीडियो बनाया जा चुका है। देखिएगा यहाँ से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसके ऊपर दोस्तों क्लिक करके उस वीडियो को देखना सीख लेंगे। और इसी के अलावा दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर लिंक नज़र नहीं आती है तो आपको मैं बता दूँ कि आपको इस वीडियो के अंत में दोस्तों एंड स्क्रीन नज़र आ जाएगी, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी इन सब चीज़ों को सीख सकते हो। उसी के अलावा दोस्तों आपका सेक्शन, तो देखिएगा दोस्तों आगे आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, ये रहा आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी में ये इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको लगा लें चिन्ह। उसी के अलावा दोस्तों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका भी दोस्तों राइट आंसर आपका ये आ जाएगा मेजर। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है तीसरे नंबर का, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, तीसरे नंबर का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ये वाला आप लोग यहाँ से लगा लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। तो देखिएगा दोस्तों, चौथे नंबर का राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, तो इसका भी दोस्तों आपका डी नंबर का ये वाला आ जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा दोस्तों पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उसका राइट आंसर दोस्तों आपका ये वाला आ जाएगा, आप लोग यहाँ से इसके ऊपर चिन्ह लगा लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगर आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला भाग दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसको पूरा समझे। देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये पूरी तरह से दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, और ये क्वेश्चन इस प्रकार से दोस्तों आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको पढ़ेंगे, द पोएटेस इज ड्राइविंग ऑन विच डे। तो देखिएगा ये फर्स्ट का राइट आंसर दोस्तों आपका ए नंबर का हो जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट का राइट आंसर आपका बी होगा, क्या होगा दोस्तों, बी नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों सेकंड की बात की जाए, तो सेकंड का राइट आंसर दोस्तों आपका ए नंबर का हो जाएगा। और थर्ड की बात की जाए तो दोस्तों देखिएगा, थर्ड का राइट आंसर आपका सी नंबर का हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन दिया गया है, इसी का 9 का बी वाला पार्ट है ये। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लेंगे, फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका ए वाला आ जाएगा, इस जगह से आप लोग लिख लेंगे। और सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर भी दोस्तों आपका सी वाला आ जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे, तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी वाला आ जाएगा, आप लोग यहाँ से लिख लेंगे। और चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका ए वाला आ जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको पूरा लिख लेंगे। चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे परीक्षाओं में, आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट जरूर कर लेंगे। ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अगर दोस्तों आपने मेरा देख लिया, तो आप ये समझिएगा दोस्तों कि पूरे क्वेश्चन पेपर में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो आप सब लोग यहाँ से इनको देखते चलेंगे और नोट करते चलेंगे। और उसी के अलावा आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन का रिवीजन कर ले अच्छे से। ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का आएगा, जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आप सबको बता दिया गया है। तो देखिएगा दोस्तों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।